प्रकार के दोष के बारे में बात करेंगे जिसे हम कैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट या अशुद्धता दोष। अब अशुद्धता दोष होता क्या है, देखिए कि जब हम किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में, माना हमारे पास कोई प्योर कंपाउंड है, कोई शुद्ध पदार्थ है, उसके क्रिस्टल में यदि हम थोड़ी सी मात्रा में कोई बाह्य पदार्थ मिला देते हैं, ठीक है ना, हमारे पास कोई शुद्ध क्रिस्टल है और हमने उसमें थोड़ी सी मात्रा में कोई बाह्य पदार्थ मिला दिया, और बाह्य पदार्थ मिलाने से उस क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष को हम डोपिंग भी कहते हैं, या इसको डोप्ड क्रिस्टल भी कहा जाता है। अशुद्ध क्रिस्टल जो होता है उसको डोप्ड क्रिस्टल भी कहा जाता है, और अशुद्धता उत्पन्न करने की प्रक्रिया को डोपिंग भी कहा जाता है। डोपिंग माने होता है किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्ध पदार्थ मिला देना। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो अशुद्धि मिलाई जाती है उस अशुद्धि के कण अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर सकते हैं। दो कंडीशन है कि हमने जो अशुद्धि मिलाई वो अशुद्धि या तो अंतराकाशीय स्थल में स्थान ग्रहण कर लेगी, या वो अशुद्धि किसी आयन को प्रतिस्थापित कर सकती है, या किसी जालक बिंदु को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो दो प्रकार की अशुद्धताएं होती हैं, एक जिसमें प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें किसी जालक बिंदु को अशुद्धि द्वारा या अशुद्धि के कणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और दूसरा होता है कि जिसमें अशुद्धि के कण अंतराकाश में स्थान ग्रहण करते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है ना, वो उन अर्धचालकों का निर्माण जो होता है वो इसी अशुद्धता दोष के कारण होता है। तो अशुद्धता दोष में क्या है, देखो सपोज करो हमारे पास सिलिकॉन का या जर्मेनियम का किसी का एक क्रिस्टल है, और जब उस क्रिस्टल में हम उसकी संयोजकता से अधिक संयोजकता वाला कोई तत्व मिलाते हैं, जैसे सपोज करो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, ये आपका एक छोटा सा क्रिस्टल बना रहा हूं मैं जो कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, तो सिलिकॉन की संयोजकता चार होती है, अर्थात सिलिकॉन के पास क्या होंगे, चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक सिलिकॉन कितने बंध बनाता है, चार बंध बनाता है। इसको गौर से समझना, ये अर्धचालक है कि एक सिलिकॉन परमाणु द्वारा चार सिलिकॉन परमाणुओं के साथ बंध बनाया जाता है। तो जब डोपिंग करते हैं कभी या कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि इसकी मूल संयोजकता से अधिक संयोजकता वाली भी हो सकती है, और इसकी मूल संयोजकता से कम संयोजकता वाली भी हो सकती है। ये हमारा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो एक सिलिकॉन ने चार बंध बनाए हैं, और जब हम कभी अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि द्वारा क्या होता है कि सिलिकॉन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये मैं एक शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल आपके सामने बना रहा हूं कि जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु द्वारा चार बंध बनाए गए हैं। अब क्या हुआ, मान के चल रहे हैं कि हम इस सिलिकॉन क्रिस्टल में इसकी संयोजकता से, सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, चार, तो इसकी संयोजकता से कम संयोजकता वाला कोई तत्व मिला रहे हैं। सपोज करो हम तीन संयोजकता वाला एल्यूमिनियम इसमें अशुद्धि के रूप में मिला रहे हैं, हमने एल्यूमिनियम को क्या किया, अशुद्धि के रूप में मिला दिया। तो क्या होगा, इन सिलिकॉन परमाणुओं में से किसी सिलिकॉन परमाणु को एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखो एक सिलिकॉन परमाणु को किसने प्रतिस्थापित कर दिया, एल्यूमिनियम ने। अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तीन इलेक्ट्रॉन केवल, एल्यूमिनियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन, और बाकी सिलिकॉन के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, चार संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, देखिए कि जो एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन है वो तीन सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों का निर्माण करेंगे। जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसने एक बंध यहां बनाया, एक बंध इधर बनाया और एक बंध इधर बनाया, लेकिन यहां एक स्थान खाली रह गया, देखिए क्योंकि नीचे बंध नहीं बन सकता, ठीक है ना, नीचे बंध नहीं बन सकता, तो एक स्थान क्या हो गया, खाली रह गया। इस खाली स्थान को होल या कोटर कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है रिक्ति या होल या कोटर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है लेकिन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे बंध को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बंध या इलेक्ट्रॉन न्यून बंध। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है वहां एक आपका होल बन जाता है,
और इसी रिक्ति के कारण या इसी होल के कारण ये सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है ये विद्युत धारा का चालन करने लगता है। तो ऐसा दोष कहलाता है अशुद्धता दोष। क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। देखिए अभी तक तो बिल्कुल सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था भी एक निश्चित व्यवस्था थी, लेकिन यहां उस व्यवस्था में परिवर्तन आ गया, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं अशुद्धता दोष, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ऐसे अर्धचालकों को कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी प्रकार के अर्धचालक। ऐसे ही हो सकता है हम इसमें इसकी संयोजकता से ज्यादा संयोजकता वाला कोई अशुद्धि मिला दें। जैसे सपोज करो, एक और चित्र बना रहा हूं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, हमने इसमें इसकी संयोजकता से अधिक संयोजकता वाला तत्व मिला दिया फॉस्फोरस, क्योंकि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है 4 और फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी होती है 5, यानी फॉस्फोरस के पास कितने बंधे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, देखो मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन 4 सिलिकॉन के साथ बंध बनाएंगे। देखो 1 2, एक नीचे बना 3, एक राइट हैंड साइड में बना 4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया फ्री। इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो अर्धचालक है ये विद्युत धारा का चालन करता है। ऐसे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन माने नेगेटिव, पी माने पॉजिटिव, समझने के लिए। नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ऋणावेश बढ़ गया, ऋणावेश बढ़ा तो एन टाइप। यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इसको कहा जाता है पी, यानी पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो ये थे आपके अशुद्धता दोष। थैंक यू।